हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार सर। स्वागत करता हूँ आपका और मेरे यूट्यूब चैनल में। जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आधार अपडेट के बारे में। जी दोस्तों, यहाँ पर आप आधार अपडेट किसी का भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। और क्या क्या आप अपडेट कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी दोस्तों। तो अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो चैनल तो आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, आज के समय में आधार अपडेट जो है बहुत ही लोग करवा रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत सा ऐसा होता है आधार में कुछ गलत हो गया है, उनको चेंज करवाना होता है। और आज के समय में आप आधार अपडेट के लिए ब्लॉक पे या फिर किसी बैंक पे जाते हैं जहाँ पर आधार सुधार केंद्र है दोस्तों, वहाँ पर भी आप देखते हैं बहुत लंबा कतार लगा हुआ है, भीड़ पड़ी हुई है। ऐसे में आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से या फिर पीसी से ये काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसकी प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, हम अपने पीसी पे आ गए, एंड पीसी पे आने के बाद यहाँ पर दोस्तों गूगल पे हम सर्च कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर आधार अपडेट। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ आधार अपडेट। जैसे मैं आधार अपडेट टाइप करके सर्च करता हूँ दोस्तों, तो एक नया यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर देख सकते हैं अपडेट योर आधार यूनिक आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन ऑफ इंडिया। तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है, देख सकते हैं uid.gov.in जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आपको इस वेबसाइट पे आके ओपन कर लेना। आने के बाद यहाँ पर तीन चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि देख अपडेट योर आधार डाटा, जहाँ पर देख सकते हैं चेक अपडेट स्टेटस है, अपडेट एड्रेस यहाँ पर डेमोग्राफी अगेन डाटा चेक स्टेटस आधार अपडेट हिस्ट्री, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है दोस्तों। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अपडेट योर आधार का दिया हुआ अपडेट डेमोग्राफी डाटा एंड चेक स्टेटस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना। क्लिक करते हैं, यहाँ पर वेलकम टू माय आधार का एक ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शन वगैरह आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर आप इसका लाभ ले सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों। अब कैसे इसका लाभ लेंगे दोस्तों, इसी के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शन दी गई है, एंड इसी के ऊपर में एक लॉगिन का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको लॉगिन वाले पे क्लिक कर लेना। जैसे लॉगिन वाले पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते कुछ स्टेप्स आ जाता है, जहाँ पर आपको आधार नंबर कैप्चा डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, एंड फिर ओटीपी आएगा, उसको ओटीपी फिल करके लॉगिन कर लेना। देख सकते कुछ स्टेप्स है, जहाँ पर कैप्चा वगैरह डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, एंड ओटीपी आएगा फिर लॉगिन कर लेना। चलिए तो मैं कर लेता हूँ, कर लेने देख सकते मेरा आईडी जो है यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, एंड यहाँ पर देख सकते प्रोफाइल वगैरह आपको देखने को मिल रहा है कुछ स्टेप्स है। अब यहाँ पर डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार, पीवीसी कार्ड, अपडेट आधार ऑनलाइन है दोस्तों, जनरेट वर्चुअल आईडी कार्ड है, लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक है, ऑफलाइन ई केवाईसी है। तो इसी तरह से हम अपडेट आधार पे क्लिक करेंगे, एंड प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरे को दो चीज़ अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं तीन चीज़ जो है हिडन हो गया और दो चीज़ हाईलाइट में है, नाम एंड एड्रेस। तो यहाँ पर नाम एक बार और मैं चेंज कर सकता हूँ, एंड एड्रेस का कोई लिमिट नहीं, आप जब भी चेंज करवा सके। तो यहाँ पर देख सकते जो भी चीज़ आपको चेंज करना है दोस्तों, उस चीज़ पर आपको क्लिक करना है, जैसे नाम पर क्लिक करेंगे या एड्रेस पे, तो आप जिस पे क्लिक करेंगे एंड उस पे प्रोसीड टू आधार पे क्लिक करना। उसके बाद जो भी आपका रियल नेम है वो आ जाएगा, एंड यहाँ पर आपको जो न्यू नेम जो नाम चेंज करना है वो आपको डाल लेना। अब यहाँ पर अपलोड मैनुअली का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, चाहे बैंक पासबुक हो गया जिसमें नाम आपका सही हो वो ला डॉक्यूमेंट, या फिर आपका पास किसान फोटो है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, या फिर पेंशन, या फिर जो भी है वोटर आई डी कार्ड जिसमें नाम आपका सही है, उसका डॉक्यूमेंट आपको सही फिल कर लेना, एंड फिल करके नेक्स्ट कर लेना। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आप वहाँ पर जो अपनी पूरी डिटेल्स चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर 50 रुपीज़ का पेमेंट लगेगा। जी दोस्तों, 50 रुपीज़ का आपको पेमेंट यहाँ पर कटवाना होगा, जिसके बाद एक रिसीविंग मिलेगा जिससे कि आप कस्टमर को दे सकते हैं, या फिर जो भी काम है आप वो आपका रिसीविंग के माध्यम से जो स्टेटस देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से आप भी यहाँ पर एड्रेस में कुछ भी अपडेट कर सकते हैं आसानी से, बिना कहीं गए दोस्तों, अपने घर से, अपने पीसी से, अपने पास। दोस्तों आपने देख ही लिया कि कैसे आपको अपने पीसी से या यही सेम काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आप आधार अपडेट का काम कर सकते हैं, अपने शॉप से भी ये काम कर सकते हैं। इसमें जो आप काम करेंगे दोस्तों, इसमें 50 रुपये का जो है आपको चार्ज पे करना होता है, जिसके बाद आपका आधार कार्ड जो सुधार हो जाता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी हद तक अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो चलिए तो फिर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।